चुनाव आयोग ने एक सोशल मीडिया मैनेजर कंपनी को 2019 लोकसभा इलेक्शन में काम दिया, जिसने धोखे से बीजेपी के मंत्रियों, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपने क्लाइंट के रूप में शामिल किया था। 1 अगस्त 2020 को इस कंपनी की वेबसाइट TSD कॉरपोरेशन के पास बीजेपी मिनिस्टर्स की ये तस्वीरें थीं, जिसमें साफ तौर पर उन्हें क्लाइंट बताया गया था, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैला सत्यार्थी को अपना क्लाइंट बताया। और एक दूसरे पेज पर अपनी खासियत PMO के साथ काम करना बताया था। लेकिन 8 अगस्त को क्विंट हिंदी ने एक आर्टिकल जिसका हेडलाइन था 2019 चुनाव, बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया मैनेजर ने संभाला EC का हैंडल, पब्लिश किया था और उसके ठीक बाद ये पेज TSD कॉरपोरेशन की वेबसाइट से गायब हो गया और इसके बदले पेज कुछ बदलाव के साथ दिखाई देने लगे। सबसे पहला, PMO के साथ काम करने को MyGov के साथ काम करने में बदल दिया गया। दूसरा हेडिंग, क्लाइंट्स गवर्नमेंट को उस पेज से हटा दिया गया जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की तस्वीरें थी, इससे इन पंक्तियों के साथ बदल दिया गया। एंड आई कोट, हमने कई सरकारी विभागों के साथ डिजिटल इवेंट्स को आयोजित किया है जिसमें ये सम्मानित व्यक्ति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि या प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए हैं, अनकोट। तो ये दावा कि ये मंत्री उनके क्लाइंट्स थे, चुपचाप उनकी वेबसाइट से हटा दिया गया है। TSD कॉरपोरेशन ने एक यूनियन मिनिस्टर की तस्वीर भी हटा दी है, जिसने हमारा आर्टिकल पब्लिश होने के बाद हमें नोटिस भेजा था। दूसरे शब्दों में TSD कॉरपोरेशन, PMO और कई वरिष्ठ बीजेपी मंत्री और नेताओं के नाम को गलत इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें अपने क्लाइंट्स के रूप में पेश कर रहा था, शायद इलेक्शन कमीशन के साथ असाइनमेंट समेत दूसरे प्रेस्टीजियस और ल्यूक्रेटिव असाइनमेंट हासिल करने के लिए। 8 अगस्त को आर्टिकल पब्लिश करने से पहले हमने TSD कॉरपोरेशन से ये सवाल पूछे थे। पहला, आपकी वेबसाइट के मुताबिक आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ काम करते हैं, क्या आप अब भी PMO के साथ काम करते हैं और अन्य बीजेपी मिनिस्टर्स आपके क्लाइंट हैं जैसा आपकी वेबसाइट ने बताया है? दूसरा, क्या आपने बीजेपी के अलावा किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ काम किया है? तीसरा, क्या आपने चुनाव आयोग को बताया कि आप बीजेपी नेताओं के साथ काम करते हैं? लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने चुनाव आयोग को भी लिखा था, पूरे एक हफ्ते तक इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आर्टिकल पब्लिश होने के बाद हमें चुनाव आयोग से जवाब मिला और हमें यूनियन मिनिस्टर के ऑफिस से एक लीगल नोटिस भी मिला, जिसमें कहा गया था कि मिनिस्टर कभी भी TSD कॉरपोरेशन के क्लाइंट नहीं थे। हमारे क्लाइंट यानी कि यूनियन मिनिस्टर ने कभी भी TSD कॉरपोरेशन की सेवाएं नहीं ली है। ये नोटिस हमारे लिए एक सरप्राइज के तरह आया। हमें उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आयोग एक ऐसी कंपनी से काम ले रहा है जो किसी संभावित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होगी। हमने अपने वेबसाइट से स्टोरी हटा दी और नई जानकारी जुटाने शुरू कर दी। वहीं EC ने हमारे सवाल, क्या TSD कॉरपोरेशन ने EC को बताया था कि एक विशेष राष्ट्रीय पार्टी के बड़े मिनिस्टर्स उनके क्लाइंट थे, जिस पर EC का जवाब था, एंड आई कोट, सम्मानित एजेंसी में कई वर्टिकल हैं और ग्राहकों की अलग अलग लिस्ट है जिसमें सरकार के मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान शामिल हो सकते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थाएं भी। अगर कोई एजेंसी EC के लिए काम करते समय किसी राजनीतिक इकाई के हित में काम करती पाई जाती है तो ब्लैकलिस्टिंग के लिए इनबिल्ट प्रक्रिया है, अनकोट। EC ने जवाब में ये भी कहा, एंड आई कोट, अगर सरकार में या उनके लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सत्ताधारी के पक्ष में होगा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने वाले अलग अलग राजनीतिक दल नहीं होंगे, अनकोट। हमने चुनाव आयोग से ये भी पूछा था कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सोशल मीडिया मैनेजर की संवेदनशील जिम्मेदारी TSD कॉरपोरेशन को देने से पहले कुछ छानबीन की गई थी, क्या बीजेपी के वरिष्ठ मिनिस्टर्स के नाम का गलत इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग ने TSD कॉरपोरेशन के खिलाफ धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस दर्ज किया है? जवाब में चुनाव आयोग ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या NFDC पर यह कहते हुए मामला डाल दिया कि NFDC ने TSD कॉरपोरेशन से पेशेवर रूप से अनुभवी अधिकारियों को उपलब्ध कराया था, लेकिन
अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जवाबदेह है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को सीधे ये तय करना होगा कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो अपना काम निष्पक्ष रूप से करे, जिसमें कोई हितों का टकराव ना हो। निश्चित रूप से जवाबदेही इलेक्शन कमीशन के साथ है, किसी और के साथ नहीं। क्या चुनाव आयोग इस तरह के रवैये से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के लिए बिना किसी उचित गाइडलाइंस और फिल्टर के सरकारी विभागों को ऐसे काम देकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकता है? इनफैक्ट हमारे पास अब और कुछ सवाल हैं। क्या चुनाव आयोग के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है कि TSD कॉर्पोरेशन ने अपनी गतिविधियों के बारे में गलत जानकारी शेयर की है? अगर हाँ, तो चुनाव आयोग TSD कॉर्पोरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? चुनाव आयोग ने दावा किया है कि कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इनबिल्ट प्रक्रिया है, तो फिर इन प्रक्रियाओं को क्यों नहीं अपनाया गया? हमने PMO और अन्य BJP मिनिस्टर्स को भी लिखा है कि क्या वे जानते हैं कि TSD कॉर्पोरेशन ने उन्हें अपनी वेबसाइट पर क्लाइंट के रूप में डाला था और कंपनी ने उसका गलत इस्तेमाल किया था? अब तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है, लेकिन PMO और जिन BJP मिनिस्टर्स का नाम दिया गया है उनके नाम के गलत इस्तेमाल के लिए क्या TSD कॉर्पोरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमने TSD कॉर्पोरेशन को भी फिर से लिखा है, अपनी वेबसाइट में अचानक बदलाव के बारे में पूछा है। उन्होंने BJP मिनिस्टर्स और नेताओं को क्लाइंट्स के रूप में क्यों हटा दिया? PMO के साथ मिलकर काम करने का जिक्र क्यों हटा दिया? हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन हम इस इम्पोर्टेंट स्टोरी पर नजर रखेंगे और अधिक जानकारी मिलने पर आपको अपडेट करेंगे।